नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखेंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसमें क्वेश्चन को देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो भी मिस्टेक्स हो जाएगी। हो सकता है आपके ऑप्शन ऐसा रहे कि आपकी मिस्टेक हो ही जाए। तो हम उन सभी मिस्टेक्स से बचने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि हमें कुछ भी गलती होने की संभावना ही ना रहे। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को एलजेब्रा से सॉल्व करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, एक नंबर आपको दिख रहा है 673, एक 677, एक 675। जो बीच वाले नंबर है, तीनों तो आपको लग रहा है एक सीरीज में जा रहा है, कंसेक्यूटिव टाइप के नंबर लग रहे हैं। तो आप क्या करो, जो बीच वाले नंबर है, जैसे कि 675 आपका बीच क्या, उसे मान लो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स या ए समथिंग, जो भी आपका मन हो आप उसे मान लो। अब हम इसे क्या करेंगे, 675 तो हमारा एक्स हो गया। अब आप क्वेश्चन देखो, 4 + 673 673 है, उसे हम लिख सकते हैं क्या, 675 - 2 है, यानी एक्स माइनस 2 हो गया। तो 4 + x - 2 मल्टीप्लाई भाई आपका क्या हो गया, 677 है, यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप इसे सॉल्व करो तो 4 + x² - 4 डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया x² / x, यानी कि x। तो हमारा आंसर आ गया 675। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हम क्यों 675 को ही x माने, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम 673 को x माने, तब मैं आपको ये बता रही हूँ तब प्रॉब्लम क्या होगा। अगर आप 673 को x मानोगे तो 4 + आप क्या करोगे, x मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2। अब आप इसे सॉल्व करो, 4 + हमारा हो गया x² + 4 डिवाइडेड बाई हमारा आ गया x प्लस 2। अब आप यहाँ पे देखो तो x² + 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि हमें इसे सॉल्व करना कितना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। इस कारण हम क्या करेंगे, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप बीच वाले को x मानो, आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो ये है इस क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप इसमें कैलकुलेशन करना शुरू करो, 673 × 677, आपकी कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन क्यों ना रहे, आपको तो सबसे पहले देख के डर लगने वाला है, आप स्किप करो नहीं करना चाहोगे। फिर अगर आपके पास टाइम रहा एग्जाम में, मे बी टाइम बच जाए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। मल्टीप्लाई करने में ये तो एक तो आपका टाइम टेकिंग होगा, ऊपर से हो सकता है कि आपका कहीं पे मिस्टेक हो जाए, बीच में एरर हो जाए, तो आपका ये भी गलत हो जाए। तो सबसे अच्छा हमारा यही ट्रिक होने वाला। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और, ताकि आपको अच्छे तरीके से रिविज़न हो जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको इसको एक्स नहीं मानने, इसे एक्स मानने, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको वही काम करने हैं। इसमें आपको देखने से क्या लग रहा है, बीच वाला हमारा कौन सा हो सकता है, 9 7 4 8 9 7 5 6 9 7 5 2, तो जाहिर सी बात है हमारा बीच वाला है 9 7 5 2, इसे हमने x मान लिया। तो 16 प्लस, अब ये हमारा x से कितना कम है, तो 4 कम है, तो x माइनस 4 आपको करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 7 5 6, ये कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, तो प्लस 4 कर लेने, डिवाइडेड बाई आपका हो गया x। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 + x² - 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 से 16 कैंसल, डिवाइडेड बाई आपका x है, तो ये हमारा क्या आ गया, x² / x, यानी कि x, यानी 9 7 5 2। तो ये होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक, जिससे कि आपका आसानी से हो सकता है आपके क्वेश्चन जब भी एग्जाम में, बिकॉज आपको पता है, एग्जाम वाला भी जानता है कि टाइम टेकिंग हमें क्वेश्चन देखने देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सिर्फ आपका माइंड देखता है कि आप कितने जल्दी इसे कैलकुलेट करते होते। स्टूडेंट्स एग्जाम से आएंगे, अरे यार मेरे को इतने हार्ड मल्टीप्लीकेशन पूछ दिए, 9 7 4 8 से 9 7 5 6 को मल्टीप्लाई करना, क्या यहाँ का बात है, ये तो हमारे साथ गलत हो गई। नहीं है, ये वो आपका माइंड चेक कर रहा है कि आप कितने फास्ट कैलकुलेटर हो, कितने फास्ट आपके माइंड में दिमाग आता है कि आप कैसे इसे करोगे। ऐसा नहीं कि वो आपका कैलकुलेटिंग चेक कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि आप माइंड कितना लगा रहे हो। तो हमारा सबसे अच्छा वे क्या हो गया कि हम एक्स मान लें। तो ये होती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वहाँ आपको इसी तरीके के और भी ट्रिक्स बहुत सारे मिलेंगे। इसके पहले भी हमने मैथ ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए, वो सारे आपके लिए कामगर होगी। तो आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करके बगल आइकन पर क्लिक करिए, बगल के बेल आइकन पर, ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। इस तरीके के सारे जो हम वीडियोज़ डालते हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ज़रूर होती है। तो आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और।
इसमें भी आपको सेम टू सेम वर्क करने हैं, ये तो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया, आप वीडियो पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब तब आपको पता चलेगा ये कितना ईजी होने वाला है। हमने इसे एक्स मान लिया बीच वाले को, तो ये हमारा क्या हो गया, वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू हो गया एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। सिंपली यहाँ पे भी हमारा वही आंसर आने वाला है, एक्स आ जाएगा यानी 7 × 2 = 32। तो ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वन से वन कैंसिल, तो ये भी हमारा एक्स ही आ गया यानी 7 × 32। एग्जाम में आपके लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका लगभग सारे के आंसर आपके एक्स ही आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।